लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। गिरफ्तार किया है जो क्लोनिंग करते थे एटीएम की, कैसे गिरफ्तारी हुई है, बरामदगी क्या है आपके पास? थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विशुनपुरा थाना क्षेत्र के थाने की टीम को ये पता लगा है कि दो बदमाश जो एटीएम में एटीएम कार्ड की अदला बदली करके लोगों के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, उसकी सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर उन्होंने घेराबंदी करके दो लोग गिरफ्तार किया। तलाशी ली गई तो उनके पास से 9 एटीएम कार्ड जो दूसरों के उन्होंने बदल रखे थे वो मिले, और कैश 40,650 रुपये उनकी जेब से मिले, एक तमंचा भी मिला है। और पूछताछ पर ये पता लगा कि जब कोई एटीएम में जाता है और वो मतलब सीधा साधा आदमी है, उसे परेशानी होती है, कम पढ़ा लिखा है, तो इन लोगों से मदद लेने के बहाने जब इनको एटीएम कार्ड देता था तो ये थोड़ी देर बाद पिन वगैरह पूछ करके फिर कह देते थे कि आपका एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा है या अभी एटीएम सही नहीं है, और कहते दूसरा कार्ड उसको पकड़ा देते थे, उसे पता नहीं चलता था कि हमारा एटीएम कार्ड बदल गया है, और इस तरह से ये उसका पैसा फिर बाद में निकाल लिया करते थे। सर एक विषय ये उठता है यहाँ कि जो भी एटीएम चलाने वाली कंपनियाँ चाहे बैंक हो या प्राइवेट एटीएम, उन्हें सुरक्षा गार्ड रखने की बात होती है, तो आखिर ऐसी कमी कहीं ना कहीं होती है? निश्चित रूप से एटीएम खुले हुए जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड बहुत कम एटीएम पर मौजूद होते हैं। जो दूर देहात क्षेत्र में एटीएम्स हैं वहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं है, और जिसकी वजह से परेशानी गाँव वालों को अक्सर होती है।